आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू की खट्टी मीठी कचौड़ियाँ। मिनी कचौड़ियाँ हैं, छोटी छोटी हैं। घर की बनी हुई ये मिनी खट्टी मीठी सत्तू की कचौड़ियाँ बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती हैं। आप इन्हें अपने गेस्ट के सामने सर्व कीजिए या शाम की चाय के साथ इनका मजा लीजिए, बहुत ही मजेदार लगती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इन बढ़िया सी खट्टी मीठी सत्तू की कचौड़ियों को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विभा और चलिए शुरू करते हैं द मैजिक ऑफ फूड। सत्तू की खट्टी मीठी मिनी कचौड़ियों को बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर मैदा लेंगे। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक का और 1/4 चम्मच यानी 1/4 स्पून डालेंगे हम अजवायन का। हल्का सा हाथों से इसे रगड़ देंगे जिससे कि बढ़िया सा इसका फ्लेवर आ सके और डाल देंगे इस आटे के अंदर। और अब हम इसके अंदर डालेंगे मौन। मौन के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ घी, क्योंकि घी से जो बढ़िया मौन लगता है वो रिफाइंड ऑयल से नहीं लग पाता है। तो मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करूंगी कि जब भी आप मठरी कचौड़ी या कुछ भी इस तरह का आइटम बनाएं तो आप घी का ही मौन लगाएं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है 60 ml घी का। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। घी को बहुत अच्छे से हम आटे के अंदर रगड़ रगड़ के मिक्स कर देंगे। आटे में जो मौन है वो अच्छे से मिल चुका है, बढ़िया सी शेप ये ले सकता है आटा, तो यानी मौन हमारा एकदम परफेक्ट हो चुका है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे। यहाँ पे जो कचौड़ियों का आटा हम लगाएंगे वो लगाएंगे थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पर, बहुत सॉफ्ट भी नहीं होगा, जैसे कि चपातीस का यानी रोटियों का होता है उतना सॉफ्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन हार्ड भी नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर ही हमारा आटा रहेगा। अच्छे से इसे 5 मिनट के लिए हम गूंदेंगे। 5 मिनट के बाद हमारा आटा जो है वो अच्छे से गूंद के तैयार हो चुका है। देखिए काफी बढ़िया हमारा आटा लगा है और अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए हम रखेंगे और तब तक हम तैयार करते हैं हमारी मिनी कचौड़ियों के लिए सत्तू की स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच साबुत धनिए का, 2 बड़े चम्मच ही ले रही हूँ यहाँ पे मैं सौंफ के, 4 डालेंगे हम इसके अंदर लौंग और 1 चम्मच ले रही हूँ यहाँ पे मैं काली मिर्च का। साबुत काली मिर्च मैंने यहाँ पर ली है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ी इलायची, लेकिन इलायची हम इस तरीके से नहीं डालेंगे, इसमें से इसके जो दाने हैं उसको निकाल के डालेंगे। ये हमने इलायची के दाने भी निकाल लिए हैं, हम डाल देंगे इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच जीरा, 4 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। अगर आपके पास मूंगफली के दाने ना हो तो आप यहाँ पर काजू भी ले सकते हैं। अब इन्हें हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट हमें इसे इतना करना है कि ये थोड़े से गर्म हो जाए, हल्का सा ये भून जाए लेकिन कोई कलर ना ले पाए, यानी हल्का गर्म हो जाए, थोड़े क्रिस्पी हो जाए लेकिन ब्राउन ना हो पाए। तो आंच को यहाँ पर हम अपनी बहुत ही ज्यादा लो रखेंगे। लो आंच पे जब हम इसे भूनेंगे तो ये क्रिस्पी तो हो जाएंगे लेकिन कलर नहीं ले पाएंगे। अब हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून गया है, पूरी तरीके से ठंडा करने के बाद हम इसे डाल देंगे एक ग्राइंडिंग जार के अंदर। और अब इसके अंदर डालेंगे हम भुजिया। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप भुजिया लिया है। आप किसी भी तरह नमकीन इसमें डाल सकते हैं, लेकिन भुजिया का जो फ्लेवर है वो थोड़ा ज्यादा बढ़िया आता है। लेकिन अगर आपके पास बीकानेरी भुजिया ना हो तो आप कोई भी नमकीन ले सकते हैं। इसे अब हम ग्राइंड करेंगे। मसाले को हमने थोड़ा सा कोर्स ग्राइंड करना है, यानी थोड़ा खड़ा खड़ा ग्राइंड करना है, बहुत बारीक नहीं करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम अपने मसाले को ग्राइंड करेंगे। एकदम परफेक्ट हमारा जो ये मसाला है वो ग्राइंड हो चुका है। और अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। और अब हम लेंगे सत्तू, ये चने का सत्तू है जो कि लिया है मैंने 1.5 कप। इसे निकालेंगे हम एक बोल के अंदर और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग का और डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर लाल मिर्च के पाउडर का और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें काला नमक, 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर चाट मसाला और 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर गरम मसाला। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो 2 चम्मच मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, ये नॉर्मल नमक है, पहले हमने काला नमक डाला था और अब डाला है इसमें नॉर्मल नमक।
और अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने मसाला पीसा था वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे से। बढ़िया तरीके से मिलाएंगे हम इसे सत्तू के साथ। बहुत ही बढ़िया लगती हैं ये खट्टी मीठी कचौड़ियाँ, एक बार आप इनको जरूर ट्राई कीजिए अगर घर पर। बहुत ही इजी भी है बनाना। और अब हम इसमें डालेंगे मिठास के लिए 4 चम्मच चीनी के। यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर लिया है यानी पिसी हुई चीनी ली है, और 4 चम्मच ही डालेंगे हम इसके अंदर आमचूर पाउडर, तो ये देगा इसको बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा सा टेस्ट। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 बड़े चम्मच तेल के। आप किसी भी तरीके का तेल ले सकते हैं लेकिन स्मेल ना हो उसके अंदर, कुछ इस तरीके का तेल आप लीजिएगा। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा पानी। पानी हम इसको मसाले को कंबाइंड करने के लिए डाल रहे हैं, तो अंदाजे से जितना पानी आपका इसमें लगे आप उतना पानी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन 2-2 चम्मच कर ही डालिएगा। पहले 2 चम्मच डालिए और मिक्स कीजिए, और फिर दोबारा से 2 चम्मच डालिए और फिर मिक्स कीजिए, जब तक कि जो ये आपका मसाला है वो कंबाइन ना हो जाए यानी एकदम इकट्ठा ना हो जाए, तब तक आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिलाते रहिए। मसाला हमारा बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है, और अब हम इस मसाले की छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। देखिए कुछ इस साइज की हम बॉल बनाएंगे छोटी छोटी सी, जो कि हमारे कचौड़ी के अंदर जाएंगी। तो पहले हम सारी ही बॉल्स को तैयार कर लेते हैं। अच्छे से दबा दबा कर आप इस छोटी छोटी बॉल्स को तैयार कर लीजिए, इजीली बन जाती हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और पानी मिक्स किया है। तो देखिए हमारी जो सारी मसाले की बॉल्स हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। इसे रखेंगे साइड में और चलते हैं आटे की तरफ। आटा हमारा बढ़िया सा रेस्ट होके तैयार हो चुका है, 1-2 मिनट हम इसे और गूंदेंगे। और अब हम इस आटे के पोर्शंस कर लेंगे। तो आटे को पहले मैं एक हाफ में डिवाइड कर रही हूँ ताकि इक्वल पोर्शंस हम इसके कर सकें। इसको कर देंगे साइड में, और अब इस वाले पोर्शन का भी कर देंगे हम हाफ। तो थोड़ा सा इसको फैला दीजिए ताकि थोड़ा सा एक जैसा हो जाए, कहीं से मोटा या पतला ना रहे, ताकि बराबर साइज में कट सके। ये हमारा आटा तैयार है, इसको हम थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, थोड़ा सा इसकी इवनली हम शेप कर लेंगे ताकि एक जैसी हम इसकी छोटी छोटी लोइयां काट सके। हल्का सा इसे रोल करेंगे। और अब हम इसकी कट कर लेंगे हमारी लोई, एक एक फिंगर का डिस्टेंस रखते हुए हम इन लोइयों को कट कर लेंगे। जितनी बड़ी हमारी मसाले की बॉल है उससे बस थोड़ी सी ही बड़ी हमें अपने आटे की बॉल को भी रखना है। तो ये साइड वाला पोर्शन थोड़ा छोटा लग रहा है, इसे मैं हटा रही हूँ। और अब ले लेंगे एक छोटा सा पोर्शन और इसका हम पेड़ा बना लेंगे। एकदम स्मूथ पेड़ा बनाएंगे, कोई भी क्रैक इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी कचौड़ी फट भी सकती है। तो इसी तरीके से हम सारे पेड़ों को पहले तैयार कर लेते हैं ताकि स्टफिंग जो है वो इजी हो जाए, जल्दी से हमारी सारी कचौड़ियां तैयार हो जाएं। तो अब ली है मैंने एक छोटी सी बॉल, इसे हल्का सा हमें फ्लैट करना है, फिंगर से ही फ्लैट कर लेंगे, बेलन से बेलने की बिल्कुल हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। हल्का सा फ्लैट करने के बाद हम इसके अंदर रख देंगे हमारी मसाले की बॉल, अच्छे से चारों तरफ से इसे कवर कर देंगे, बढ़िया सा सील कर देंगे इसे अच्छे से दबा दबा कर, और फिर हल्का सा इसको शेप देंगे राउंड और थोड़ा सा इसे चपटा कर देंगे ताकि कचौड़ी की बढ़िया सी शेप दे सके। तो ये छोटी सी हमारी एक कचौड़ी तैयार हो चुकी है, और इसी तरीके से हम अपनी बाकी सभी कचौड़ियों को भी तैयार कर लेंगे। हल्का हल्का सा देखिए इसको मैं हाथ से फैला रही हूँ। और अब इसके अंदर रख देंगे हम हमारी मसाले की बॉल्स, अच्छे से इसको सील कर देंगे बढ़िया तरीके से, गोल करेंगे हाथों से और हल्का सा फिर इसको चपटा कर देंगे। देखिए एकदम परफेक्ट हमारी ये बन गई है शेप, सारी कचौड़ियां हमारी तैयार हैं। और अब करते हैं हम इसे फ्राई। तो यहाँ पे लिया है मैंने वेजिटेबल ऑयल, इसे लो फ्लेम पे मैंने गरम कर लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे हमारी सारी कचौड़ियां। यहाँ पर आपकी जो आंच है वो बहुत लो रहेगी ताकि जो कचौड़ियां हैं वो अंदर तक सिक सके,
बढ़िया क्रिस्पी हो सके, तो बहुत ही पेशेंस के साथ हम इसे यहाँ पर सेकेंगे। बीच बीच में हल्का सा इसे अलटते पलटते रहेंगे ताकि ये दोनों साइड से बढ़िया सा सिक सके। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे अलटते पलटते रहेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर एकदम लो रखकर इनको तलेंगे। करीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने के लिए। थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है यहाँ पर, तो थोड़े पेशेंस रखकर आप 15 से 20 मिनट में आप देखेंगे कि आपकी जो कचौड़ियाँ हैं उन्होंने एक परफेक्ट कलर ले लिया है। बहुत डार्क कलर नहीं लेंगे, थोड़ा हल्का ब्राउनिश इसका कलर रहेगा। और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी कचौड़ियाँ, बिल्कुल मार्केट जैसी इनकी लुक आई है। और इसी तरीके से हम बाकी की कचौड़ियां भी फ्राई कर लेंगे। वाओ, कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। आप इसके ऊपर से देखिए, एकदम लग रही है कि ये आपने बाजार से ही खरीदी हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा है इनको देखकर कि ये घर की बनी कचौड़ियां हैं। और टेस्ट भी इसका बहुत ही ज्यादा मजेदार है, खट्टा मीठा चटपटा इसका टेस्ट है। और देखिए मसाला भी अंदर तक पूरा भरा हुआ है इसका, तो कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये घर की बनी कचौड़ियां हैं। बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट है, अंदर से बाहर से सब तरह से ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही हैं। आप इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं 15-20 दिन के लिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। और अपने शाम की चाय के साथ या अपने गेस्ट के साथ आप इन्हें शेयर कीजिए और बहुत सारी तारीफें लीजिए। तो जरूर ट्राई कीजिएगा आप इन बढ़िया सी मिनी कचौड़ियों को, सत्तू की मिनी कचौड़ियों को। दाल की कचौड़ियां आपने खाई होंगी, आलू की कचौड़ियां खाई होंगी, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इन बढ़िया सी सत्तू की खट्टी मीठी कचौड़ियों को। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।